सामान आया है वो इस प्रकार से है, 8 लाख रुपए नगद, बुलेट मोटरसाइकिल, गले की चैन। अम्मू और भाई तो जा रहे हैं आगे BMW में, मैं बैठा हूँ फॉर्चुनर में और उधर अभी वीडियो बन रही है। सॉरी, हवन है 14 तारीख का, तो मैं, मम्मी, पापा, हम सब जा रहे हैं। ये क्या क्या कमी थी वो मैंने सही कराई है, आप और कमेंट करके बताना। मेरे भाई की सगाई में आया था 18 तारीख की, इसकी शादी, तो इससे पहले तो मैं बहुत दूर जाने वाला हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, मम्मी के लिए पिसवाया मैंने सुबह सुबह कूटू का आटा फ्रेश अपने सामने। मैं रेडी हो गया हूँ, मैं और भम्मू जा रहे हैं ताऊ जी के बेटे की सगाई में, तो मिलते हैं आपको वहीं पे। भम्मू और भाई तो जा रहे हैं आगे BMW में, मैं बैठा हूँ फॉर्चुनर में और उधर अभी वीडियो बन रही है, तो मैं तो हो गया रेडी, अब मिलते हैं आपको फंक्शन में सीधा। मैंने विक्की का चश्मा लगा लिया है, मोंटी कार्लो का मस्त लग रहा है। तो गाइस, गांव में मैंने एंट्री कर ली अपने ताऊ जी के यहाँ पर। मैं पूरा गया हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम गया हूँ, मैं ताऊ जी के घर कभी नहीं गया लाइफ में, पहली बार अपने ताऊ जी के यहाँ पर गया हूँ और अब मैं दिखाता हूँ आपको सारा कुछ। तो गाइस, यहाँ से होती है सगाई की रस्में स्टार्ट। तो मेरा भाई आ चुका है, ये है आर्मी में, इंडियन आर्मी में, और यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, मैं, भम्मू, पाई, सब लोग एक साथ ज़मीन पर भी बैठे हैं, कुछ कुर्सी पे बैठे हैं, और यहाँ पर जो भी टीका वीका होता है, थोड़ी बहुत रस्में होती हैं, क्या क्या होगा वो आप देख रहे हैं। और गाइस देखो, हनुमान जी ने पूरी सगाई चढ़ते हुए देखी। मंडलाकारं व्याप्तं न चराचरं तत्तदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे परमपिता परमेश्वर सद्गुरु महाराज की कृपा से श्रीमान युवराज सिंह के उनको संग जो सामान आया है वो इस प्रकार से है, 8 लाख रुपए नगद, बुलेट मोटरसाइकिल, गले की चैन, अंगूठी, घरेलू सामान, बेड, ड्रेसिंग टेबल, सेफ्री, बर्तन, कंबल आदि, कपड़े, चांदी का, ये तो चांदी का सिक्का जो तो उसमें लगन पे है, और ये जो कुछ भी सामान आपके पास में रखा हुआ है और बर्तन है, ये सब आया हुआ निशान आपके सामने। 5 चीज़ें ये देखो अमर चाची, क्या मस्त लग रही हो तुम तो आज, बढ़िया लग रही हो। मानवी, वो लवी, कब आ रही है तू हमारे घर? एक यू है अंग्रेज, हेलो कर जल्दी, ऐसे हेलो कर दे। मेरे भाई की सगाई में आया था 18 तारीख की, इसकी शादी, तो इससे पहले तो मैं बहुत दूर जाने वाला हूँ, वो मैं डेट रिवील करूँगा बाद में। तो इसकी सगाई में फाइनली मैं आ गया, और ये है मेरा भाई आर्मी में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है। और ये मेरे चाचा का बेटा है, छोटे वाले चाचा का, सबसे बड़े ताऊ जी हैं हमारे, इनके पापा, मेरे बड़े पापा, तो बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा था सगाई हो गई है, अभी दोबारा से हो रही है, मतलब अभी थोड़ी रस्में रह गई हैं, तो अभी वहाँ पे पप्पू को दोबारा बुलाया गया है। तुषार है इसका नाम, हम पप्पू बोलते हैं बचपन से, और काफ़ी सारे लोग तो चले गए।
तो गाइस सब कुछ देखने के बाद हम निकले सीधा अपने घर के लिए। भम्मू, मैं, पाई, अनिकेत, अजय, हम सब एक गाड़ी में थे। सॉरी, मैं, अजय और अनिकेत हम एक गाड़ी में थे, और सचिन भैया, भम्मू, पाई और दूसरे वाले भैया वो अलग थे। तो गाइस बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और ये देखो जुगाड़, आपने देखा होगा बहुत पहले चलते थे ये जुगाड़। और अब मैं दिखाऊंगा आपको गढ़गंगा वाला रास्ता। ये देखो, ये है हमारे ब्रज घाट का रास्ता, ये है गढ़गंगा। और यहाँ पर मैं बहुत आया हूँ, यहाँ से मैं अपने गांव जल लेकर गया था, पैदल पैदल बहुत जल लेकर जाता। और ये है वो रोड जहाँ पर मूढ़े वगैरह मिलते हैं लकड़ी के बने हुए। और गाइस फाइनली हमने एंट्री कर ली जेपी ग्रीन्स में। ये है प्यारा सा डेल कोड, जैसा कि आपने ब्लॉग में ऑफ कोर्स देखा ही है। और सीधा मैं आ गया अपने घर। तो गाइस मैं आ गया हूँ घर फाइनली सगाई में से, और मम्मी के पैर सूज रहे हैं, वरना मम्मी भी जाती मेरे साथ, है ना मम्मी? अब शादी में जाऊंगी मैं। शादी में जाओगी पक्का? हाँ। पापा और तुम चले जाना, गाड़ी करके ले जाना, ठीक है? तो फ्रेंड्स, ताई जी ने भेजे मम्मी के लिए लड्डू, मट्ठी, ये सब जो वहाँ पर बनते हैं। आपको वो सब्जी वगैरह भी भेज रही थी, लेकिन यार गर्मी में वो चीज़ें ख़राब हो जाती है। और फिर गाड़ी में अगर लाओ, इतने दूर का सफ़र है, 2.5-3 घंटे का सफ़र है यहाँ से वहाँ तक का, गढ़गंगा पूरा पार करके है। और गाइस मेरे को इतनी तेज़ नींद आ रही है, आँखों में नींद भर रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल आपने ब्लॉग में इतना प्यार दिया मुझे, देखकर बहुत अच्छा लगा। अभी भी आप आँख देख सकते हो मेरी, रेड रेड हो रही है, पूरी रेड रेड हो रही है, आप देखो, ये देखो। और मैं आपको बता दूँ, मैं कल गया था अपने शूट पे, तो वहाँ पर मैंने 11 बजे से रात के 9 बजे तक शूट किया। और उसके बाद मैं फ्री हुआ, आया अपने घर, घर आया, नहाया, खाना खाया, वो दीदी को घर छोड़ा, मतलब अपने फ्रेंड के पास भी गया था हॉस्पिटल में। और फिर दीदी को घर छोड़ने के बाद मैं यहाँ पर आया, तो फिर मैंने ब्लॉग एडिट किया। ब्लॉग एडिट करते करते बच गए मुझे 2, सेव करके अपलोड करके तब सोया। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, उसका एक फल तो मिलना चाहिए गाइस, लाइक तो कर दिया करो, लाइक तो एक बनता है। तो जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ ताई जी ने क्या क्या भेजा है। ताई जी के यहाँ से मट्ठी, लड्डू, ये इतना सारा। और गाइस मैं आपको बता दूं, मेरे नए वाले घर में अब होगा जल्द ही हवन। तो हवन है 14 तारीख का, सॉरी हवन है 14 तारीख का। तो मैं, मम्मी, पापा, हम सब जा रहे हैं, हवन की तैयारियां करनी है। तो कल तो मैं थोड़ा बिजी रहूंगा, उसके बाद वहां पर जाऊंगा, उसमें टाइल्स वाइल्स लगी हैं वो देखनी है, चेक करनी है, सारा घर दिखाऊंगा दोबारा से, कितनी चेंजिंग आई है, क्या क्या कमी थी वो मैंने सही कराई है, आप और कमेंट करके बताना। लेकिन जो घर है वो बहुत प्यारा है, और उसके जो कमेंट आए हैं आप लोगों के, इतना प्यार दिया आपने तो बहुत अच्छा लगा देख के, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, अभी और ऊपर जाना है। और गाइस आज का ब्लॉग मेरा लाइक करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।